आरा प्रखंड से अंचल कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों को बैठने व अन्य सुविधा नहीं होने के विरोध में पंचायती राज कार्यालय में तालाबंदी और धरना दिया गया। यह प्रखंड उप प्रमुख भागीरथ यादव के नेतृत्व में पंचायत समिति के सदस्यों ने किया। अपने संबोधन में आरा सदर पूर्वी के जिला पार्षद धनंजय यादव ने कहा कि यह एक चुने हुए प्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारियों का हनन है। जिला परिषद की बैठकों में लगातार जनप्रतिनिधि भवन पर सरकारी कर्मियों का अतिक्रमण का मामला उठाते रहा हूँ, लेकिन जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने व सशक्तिकरण की बातें कही जाती है, लेकिन आरा प्रखंड में महिला पंचायत प्रतिनिधि के बैठने तथा शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। उप प्रमुख भागीरथ यादव ने कहा कि 28 दिसंबर को चुनाव हुआ, उसके बाद कार्यालय कक्ष के लिए एक महीने से मांग की और आवेदन BPRO को दिया गया, लेकिन वे दो दिन चार दिन टालते जा रहे हैं। धरना के बाद उप प्रमुख ने BDO को ज्ञापन सौंपा, इसकी प्रतिलिपि सदर अनुमंडल पदाधिकारी को भेजा है। मौके पर पंसस विकास यादव, आनंद शर्मा, जनार्दन गौड़, अरविंद कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस तारीख को विगत महीने में प्रमुख और उप प्रमुख पद के लिए निर्वाचन संपन्न हुआ और निर्वाचित हमारे उप प्रमुख हैं और इन्होंने लिखित रूप से पब्लिक के कार्यों हेतु या प्रखंड के अपने कार्यों के निष्पादन हेतु एक कार्यालय कक्ष की आशा की और लिखित रूप से इन्होंने BPRO साहब को देने का काम किया। BPRO साहब लगातार गैर जिम्मेवारी ढंग से व्यवहार दर्शा रहे हैं और देखिए अभी भी इनके कार्यालय में कोई नहीं है और ये पंचायती राज विभाग का आरा प्रखंड का कार्यालय है और कभी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि जो कि पूरे ब्लॉक के उप प्रमुख हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन भी कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि एक चुने हुए उप प्रमुख को आप पूरे ज़िले में चले जाइए, हर प्रखंड में प्रमुख और उप प्रमुख के लिए अलग अलग कार्यालय कक्ष हैं जहाँ से वह लोग बैठकर जन समस्याओं का निपटारा करते हैं या कार्यालय में जो भी कार्य हो रहे हैं उस पर अपना निगरानी अथवा जो भी हो देख रेख करते हैं, लेकिन यहाँ सिस्टम बुरी तरह फेल है और BPRO साहब इस विषय को गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उप प्रमुख जी का विषय है, तो उप प्रमुख जी एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनके सचिव प्रमुख और उप प्रमुख के सचिव के तौर पर BPRO साहब हैं जो नया संशोधन हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, तो जब सचिव ही नहीं सुनेगा तो कैसे काम होगा। और मैंने पब्लिक के काम में बहुत बधाई आ रही है, इसलिए हम लोग उप प्रमुख भागीरथ यादव जी के नेतृत्व में सब पंचायत समिति के सदस्य लोग आए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं कि भाई हम लोग को बैठने की व्यवस्था की जाए और उनके चैम्बर में धरना पर बैठे हुए हैं। आगे भी लगातार संवैधानिक स्तर पे अपने कार्यालय कक्ष के लिए या जन समस्याओं के लिए भागीरथ यादव जी के नेतृत्व में संघर्ष करने का हम लोग कार्य मिलजुल कर करते हैं। तो अभी तक कार्यालय आवंटित नहीं किए गए, इसीलिए ना नहीं किया गया जी। क्या मतलब कार्यालय आप लोग को आवंटित नहीं हुआ? क्या अभी तक नहीं हुआ? हम लोग अपने पैड पे 28 तारीख को चुनाव हुआ, उसके बाद हम लोग अपना लोग मांगे हैं, हम आवेदन भी दे चुके हैं। ये BRO साहब रोज दिन धर रहे हैं, दो दिन में करें, तीन दिन में करें, रोज हम लोग आ रहे हैं, घूम के जा रहे हैं, तो बताइए हम लोग का करें? जिनका इनका अधिकार है अब यही नहीं सुन रहे हैं तो कहाँ जाएं हम लोग? इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, बाकी बड़े भैया बता दिए आपको। तो नहीं कार्यालय आप लोग मतलब आवंटित नहीं, उसी को देखिए मतलब ये आप जनप्रतिनिधि वार्ड में प्रतिनिधि हैं और अपने कार्यालय में जो भी लोग यहाँ पर क्या मतलब धरना दे रहे हैं आप लोग? हम लोग उप प्रमुख चुने हुए हैं और सारे हमारे समिति गण यहीं पर बैठे हुए हैं और धरना पर बैठे हैं। जब तक हम लोग का कार्यालय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहे, हर रोज आकर बैठेंगे। क्या नाम है आपका? भागीरथ यादव, उप प्रमुख आरा। इस्तेमाल होता है
प्रतिनिधियों का जो भवन बना हुआ है वह लगातार सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु जो ब्लॉक का सिस्टम है अपने उपयोग में लाती है। हम पिछले कार्यकाल में भी जिला परिषद की बैठकों में लगातार इस बात को उठाते रहे कि जब जनप्रतिनिधियों के भवन उनके लिए बनाए गए भवनों पर सरकारी कर्मचारियों का कब्जा रहेगा तो जनप्रतिनिधि कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ से बैठकर अपने जनता से रूबरू होंगे या उनके समस्याओं का निपटारा करेंगे। और इसी क्रम में आज देखिए कि 28 तारीख से विगत महीने में कार्यालय प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव संपन्न हो गया और एक निर्वाचित उप प्रमुख के लिए आरा सदर प्रखंड में जिन्होंने लगातार लिख करके देने का काम किया बीपीआरओ महोदय को, लेकिन अभी तक उनके लिए कार्यालय कक्ष की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो आखिर उप प्रमुख जो जिनका एक संवैधानिक अधिकार है उनके अधिकारों का भी हनन है। और मेरा सवाल बिहार सरकार से, बिहार सरकार के मुखिया से स्पष्ट रूप से है कि आपने तो आरक्षण दे दिया, आप इस चीज़ को भुनाते भी हैं, अभी तुरंत भुना रहे हैं आपके MLC प्रत्याशी कि नीतीश जी ने पंचायती राज चुनाव में आरक्षण दे दिया और आरक्षण के दम पर भी इतनी महिलाएं आई हैं। अच्छी बात है, हम लोग धन्यवाद देते हैं आपको पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी के लिए, लेकिन आप बताइए कि जो माता बहन जो हमारी बेटी बहू आरा प्रखंड के विभिन्न गांव से विभिन्न पंचायतों से पंचायत प्रतिनिधि के रूप में वार्ड सदस्य के रूप में समिति के रूप में चुन करके आई हैं, जिनको जनता ने चुन करके भेजा है, उनके बैठने उठने के लिए कहां व्यवस्था आपने किया है जब जन प्रतिनिधियों के लिए बनाया गया भवन ही आपके सरकारी कर्मचारियों के कब्जे में है, जब आपके प्रखंड में उप प्रमुख को ही कोई कार्यालय कक्ष नहीं है कि उप प्रमुख कहाँ बैठेंगे। आप घूम कर देख लीजिए कि 50% आरक्षण का जो लोग दावा ठोक रहे हैं वह 50% आरक्षित वर्ग की महिलाएं अगर यहाँ आएंगी तो उनके लिए बाथरूम तो बहुत दूर की बात है। आप घूम कर देख लीजिए सारा शौचालय बाथरूम की क्या व्यवस्था है, उन लोग को अगर लघु शंका की भी आवश्यकता होगी तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बैठने के भी कहीं जगह नहीं है जनप्रतिनिधियों के लिए इस आरा प्रखंड में। तो हम लोग मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि तत्काल हस्तक्षेप करके आरा सदर प्रखंड में जो जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए जो भवन बनाया गया है उसको सरकारी कब्जे से मुक्त करें और जो नवनिर्वाचित उप प्रमुख के सदस्य चुन के आए हुए हैं उप प्रमुख पद के लिए भागीरथी यादव जी उनको बैठने के लिए कार्यालय कक्ष की व्यवस्था करें, नहीं तो रोज पंचायत समिति उप प्रमुख जी के नेतृत्व में आएंगे और बीपीआरओ साहब आपके चैम्बर में बैठेंगे और बैठ कर जाएंगे, यहीं से जन समस्याओं का निपटारा होगा। अब संघर्ष जो भी होगा संवैधानिक तरीके से संघर्ष करने का कार्य किया जाएगा जब तक आप इनको अपना हक नहीं दे देते हैं।